हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियोस। तो आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आज हमारा जो राइड है एनवायरनमेंट डे स्पेशल राइड है। तो अभी यहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ हमारा सर है। तो सर, हम दो लोग जा रहे हैं, निकले हैं थोड़ा सा, मतलब छोटा सा एक राइड पे। तो इस पर्यावरण दिवस के मौके पे मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना भी हो सके आप भी पर्यावरण के लिए अपना सहयोग करें, मतलब अपना सहयोग दें, ताकि आने वाला जेनरेशन का फ्यूचर अच्छा हो सके, ठीक है। और अगर आपको कोई सहयोग नहीं करना है तो ठीक है, और आप लोग मतलब पॉल्यूशन भी मत करिए। चलिए मेरे साथ, मैं आज आप लोगों को इस पर्यावरण की जो खूबसूरती है वो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। लोग देख सकते हो कि हम लोग, हमारा जो आज का डेस्टिनेशन था, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को दिखाएंगे, एक बहुत ही मस्त जगह है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह में एक यहाँ पे मंदिर है और मंदिर की चारों ओर चाय पत्ता का जो बगान है, बगान और बड़ा बड़ा पेड़ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एकदम पूरा ही पूरा। और यहाँ पर सामने है मंदिर, बरगद का पेड़ है। तो अभी मंदिर में जाएंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, और इस जगह के पूरा आसपास, मेरा पीछे आप लोग देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। मतलब अभी तो शाम का टाइम है, ठीक है, शाम का टाइम है और हवा भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग पीछे देख पा रहे हो बैकग्राउंड जो है, मतलब बहुत ही मस्त एकदम। मतलब पर्यावरण दिवस में इससे अच्छा जगह मुझे लगता है कि और नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा जो वो देख पा रहे हो सर है, तो सर जो है, सर नहीं, मुझे यहाँ पे लेके आया है। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इतना भी अच्छा जगह है, ज़्यादा दूर भी नहीं है ये। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा वहाँ से डिस्टेंस अगर बोलूँ तो ज़्यादा नहीं होगा, 20-25 किलोमीटर होगा, मतलब आने जाने का 50-60 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो भी हो, आने का जो एक थकान है यहाँ पे आके पूरा एकदम मिट गया है। सो यहाँ पे बीचों बीच मंदिर है जो आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मंदिर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे है 2 मंदिर। Thank you.
तो ये मेरा पीछे आप लोग मंदिर देख पा रहे हो, इस मंदिर से अभी निकले हैं हम लोग। और अभी यहाँ पे जो बरगद का जो पेड़ है, मैं आप लोगों को दिखाया था इस साइड में एक बरगद का पेड़ है, तो उसके नीचे हम लोग बैठे हैं। और ये जो डेस्टिनेशन है, मतलब ये जो जगह है, जगह के बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी मैं हमारा जो सर है सर को पूछा था, तो ये बोला है इस जगह के बारे में। ये हो गया आपका कल्लागिन, कल्लागिन नाम करके एक जगह है। तो कल्लागिन से आपका कल्लागिन जो बाज़ार है, बाज़ार से करीबन दो किलोमीटर साइड होगा, दो ढाई किलोमीटर दूर। तो दो ढाई किलोमीटर दूर जाके यहाँ पे एक चाय बागान के बीच में एक मंदिर पड़ता है, मंदिर का नाम है गंगा मंदिर, ठीक है। आप लोग अगर गूगल मैप में सर्च करोगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे बैठे हैं, बैठ के मतलब रिलैक्स कर रहा हूँ। और सच बोलूँ तो मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लेस है, ओके, मतलब दोनों तरफ जितना भी आप लोगों का नज़र जाएगा सिर्फ चाय पत्ता का बागान, बागान और बागान ही है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जितना भी हो सके पेड़ पौधे लगाइए, इसमें हम लोगों का ही अच्छा है, हम लोगों का ही भलाई है। अगर नहीं लगा सकते तो ठीक है, पॉल्यूशन भी मत करिए,